बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्शन 36 है, सूट अगेंस्ट गार्डियन वेयर एडमिनिस्ट्रेशन बॉन्ड वाज नॉट टेकन। वेयर अ गार्डियन अपॉइंटेड आर डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट हैज नॉट गिवन अ बॉन्ड एज अफोरसेड, एनी पर्सन विद द लीव ऑफ द कोर्ट मे एज नेक्स्ट फ्रेंड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द मिनोरिटी ऑफ द वार्ड एंड अपॉन सच टर्म्स एज अफोरसेड इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट द गार्डियन आर इन केस ऑफ हिज डेथ अगेंस्ट हिज रिप्रेजेंटेटिव फॉर एन अकाउंट ऑफ वट द गार्डियन हैज रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द वार्ड एंड मे रिकवर इन द सूट एज ट्रस्टी फॉर द वार्ड सच अमाउंट एज मे बी फाउंड टू बी पेएबल बाय द गार्डियन और हिज रिप्रेजेंटेटिव एज द केस मे बी। जब कोई भी गार्डियन जो है वो अपॉइंट किया जाता है या डिक्लेयर किया जाता है कोर्ट की तरफ से, तो कोर्ट उस गार्डियन से बॉन्ड जो है वो डिमांड करती है। बॉन्ड जो है वो इसलिए डिमांड किया जाता है ताकि अगर कल को गार्डियन जो है वो वार्ड की प्रॉपर्टी को किसी किस्म का कोई भी नुकसान पहुंचाए, तो इस नुकसान का अजाला करने के लिए वो बॉन्ड जो है वो डिमांड किया जाता है। जब गार्डियन जो है वो अपॉइंट हो कोर्ट की तरफ से या डिक्लेयर हो और उसने बॉन्ड जो है वो कोर्ट में जमा ना कराए हों, तो कोई भी शख्स जो है एज ए नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ वार्ड, यानी वार्ड का कोई भी नेक्स्ट फ्रेंड, उसका रिश्तेदार, दोस्त या कोई भी एहसास करने वाला, हमदर्दी करने वाला वार्ड के लिए इस गार्डियन के खिलाफ सूट जो है वो फाइल कर सकता है कोर्ट की इजाजत के लेकर, एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ द मिनोरिटी ऑफ द वार्ड। वार्ड की मिनोरिटी के दौरान किसी भी वक्त वो सूट फाइल कर सकता है। एंड अपॉन सच टर्म्स एज अफोरसेड इंस्टीट्यूट अ सूट अगेंस्ट द गार्डियन और इन केस ऑफ हिज डेथ अगेंस्ट हिज रिप्रेजेंटेटिव। या तो गार्डियन के खिलाफ सूट फाइल करेगा, और अगर गार्डियन जो है वो उसकी डेथ हो जाए तो उसके रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ सूट फाइल करेगा, फॉर एन अकाउंट ऑफ व्हाट द गार्डियन हैज रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द वार्ड। और ये सूट किस लिए फाइल की जाएगी कि जब वो पर्सन वार्ड की प्रॉपर्टी का गार्डियन अपॉइंट हुआ है, तो गार्डियन जब अपॉइंट हुआ है तो उसके अगेंस्ट उसे जो है वो वार्ड की प्रॉपर्टी उसकी कस्टडी में दी गई है, उसकी पोजेशन में दी गई है। तो चूंकि उसकी पोजेशन के इवज उसने बॉन्ड जो है वो जमा नहीं कराए, तो इसलिए वो जो नेक्स्ट फ्रेंड है या उसका वार्ड का कोई भी रिश्तेदार या दोस्त है, वो कोर्ट में सूट फाइल करेगा कि वो बॉन्ड जो है कोर्ट में जमा कराए। अगर वो खुद गार्डियन जिंदा है तो गार्डियन के खिलाफ सूट होगी, और अगर गार्डियन जो है वो मर चुका है, उसकी डेथ काज हो चुकी है, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ सूट फाइल की जाएगी। एंड मे रिकवर इन द सूट, और सूट के जरिए जो है वो बॉन्ड रिकवर किए जाएंगे, एज ट्रस्टी फॉर द वार्ड सच अमाउंट एज मे बी फाउंड टू बी पेएबल बाय द गार्डियन आज हिज रिप्रेजेंटेटिव एज द केस मे बी। और जिस तरह और ये जो नेक्स्ट फ्रेंड है वार्ड का, एज ए ट्रस्टी, वार्ड के ट्रस्टी के तौर पर सूट में वो अमाउंट भी रिकवर कर सकता है जो अमाउंट गार्डियन की तरफ से पेएबल है वार्ड को, जो गार्डियन की तरफ से या उसके रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से पेएबल है वार्ड को, वो अमाउंट भी ये जो नेक्स्ट फ्रेंड है या उस वार्ड का दोस्त या रिश्तेदार है वो थ्रू सूट जो है वो रिकवर कर सकता है। सेक्शन 37 है, जनरल लाइबिलिटी ऑफ गार्डियन एज ट्रस्टी। नथिंग इन ईदर ऑफ द टू लास्ट फोरगोइंग सेक्शंस शैल बी कंस्ट्रूड टू डिप्राइव अ वार्ड और हिज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी रेमेडी अगेंस्ट हिज गार्डियन आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गार्डियन विच नॉट बींग एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड इन ईदर ऑफ द दोज सेक्शंस एनी अदर बेनिफिशरी आर हिज रिप्रेजेंटेटिव वुड हैव अगेंस्ट हिज ट्रस्टी आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रस्टी। इसमें यह है कि सेक्शन 36 और 35, यानी 35 और 36 सेक्शन का मतलब ये नहीं है कि वार्ड या उसके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको किसी रेमेडी से महरूम कर दिया जाएगा। जो वो गार्डियन या उसके रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ रखते हैं, जो कोई और बेनिफिशरी या रिप्रेजेंटेटिव ट्रस्टी या उसके रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ रखता है, इस सेक्शन 37 में वार्ड को ये राइट दिया गया है कि वो भी
हक रखता है कि अगर उसको किसी किस्म की गार्डियन या उसके रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ कोई भी रेमडी जो है वो मिल सकती है, तो वो यानी वार्ड जो है वो भी इस रेमडी को रिकवर कर सकता है अगेंस्ट हिज गार्डियन, अपने गार्डियन के अगेंस्ट और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गार्डियन, या गार्डियन की डेथ की सूरत में गार्डियन के जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे उनके अगेंस्ट वो रेमडी जो है वो रिकवर कर सकता है। एनी अदर बेनिफिशियरी और हिज रिप्रेजेंटेटिव वुड हैव अगेंस्ट हिज ट्रस्टी और द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रस्टी, जो रेमडी कोई बेनिफिशियरी या उसका रिप्रेजेंटेटिव अपने ट्रस्टी या उस ट्रस्टी के रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ रखता है, वो रेमडी वार्ड भी अपने गार्डियन या गार्डियन के रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ रेमडी रिकवर कर सकता है। सेक्शन 38 है राइट ऑफ सर्वाइवरशिप अमंग जॉइंट गार्डियंस। ऑन द डेथ ऑफ वन ऑफ टू और मोर जॉइंट गार्डियंस द गार्डियनशिप कंटिन्यूज टू द सर्वाइवर और सर्वाइवर्स अंटिल अ फर्दर अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द कोर्ट, यानी जब एक या एक से जायद गार्डियन जॉइंट गार्डियंस में एक या एक से जायद गार्डियन जो हैं उनकी डेथ काज हो जाए, द गार्डियनशिप कंटिन्यूज टू द सर्वाइवर और सर्वाइवर्स, तो बाकी जो गार्डियंस हैं वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करते रहेंगे, उनकी गार्डियनशिप पर जो है वो किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अनटिल अ फर्दर अपॉइंटमेंट इज मेड बाय द कोर्ट, जब तक कोई फर्दर अपॉइंटमेंट कोर्ट की तरफ से नहीं होती तब तक बाकी जो गार्डियंस हैं वो अपनी ड्यूटीज को अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते रहेंगे। सेक्शन 39 है रिमूवल ऑफ गार्डियन, यानी वो कौन सी ऐसी सूरतें हैं कि जिन सूरतों में गार्डियन को रिमूव किया जा सकता है। द कोर्ट मे ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन इंटरेस्टेड और इट्स ओन मोशन रिमूव अ गार्डियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट और अ गार्डियन अपॉइंटेड बाय विल और अदर इंस्ट्रूमेंट फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज, नेमली नंबर वन है फॉर अब्यूज ऑफ हिज ट्रस्ट, अगर वो अपने ट्रस्ट का अब्यूज करता है, यानी जो एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है जो कि हम सेक्शन 20 में पढ़ा है, एक गार्डियन और वार्ड के दरमियान एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है, एक फिड्यूशरी तल्लक होता है, वो उस तल्लक को वो उस ट्रस्टफुल रिलेशनशिप को जब ब्रीच करता है, उस ट्रस्ट को जब अब्यूज करता है तो उसे रिमूव कर दिया जाता है। फॉर कंटिन्यूड फेलियर टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ट्रस्ट, जब वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने से नाकाम हो जाए, जब वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म ना कर सके तब भी गार्डियन को रिमूव कर दिया जाता है। फॉर इनकैपेसिटी टू परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ हिज ट्रस्ट, जब वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल ना रहे, यानी जब वो इनकैपेबल हो जाए कि वो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म कर सके, तो इस सूरत में भी उसको रिमूव कर दिया जाएगा व्हेन ही इज इनकैपेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज। फॉर इल ट्रीटमेंट और नेग्लेक्ट टू टेक प्रॉपर केयर ऑफ हिज वार्ड, जब वो वार्ड के साथ इल ट्रीट करे, यानी उसके साथ मिसबिहेव करता है, और नेग्लेक्ट टू टेक प्रॉपर केयर, या उसकी प्रॉपर केयर नहीं करता, तो इस सूरत में भी उसे रिमूव कर दिया जाएगा। फॉर कॉन्टुमेशियस डिसरिगार्ड ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और ऑफ एनी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, जब गार्डियन इस एक्ट की किसी प्रोविजन को या कोर्ट के किसी ऑर्डर को डिसरिगार्ड करता है, यानी कोर्ट के ऑर्डर की या इस एक्ट की किसी प्रोविजन की खिलाफवर्जी करता है, तो इस सूरत में भी उसे रिमूव कर दिया जाता है। फॉर कन्विक्शन ऑफ एन ऑफेंस इम्प्लाइंग इन द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट अ डिफेक्ट ऑफ करेक्टर विच अनफिट्स हिम टू बी द गार्डियन ऑफ हिज वार्ड, अगर गार्डियन जो है वो ऐसा ऑफेंस कमिट करता है कि कोर्ट की ओपिनियन में कोर्ट की नजर में उसका जो करेक्टर है वो डिफेक्टफुल हो जाता है, तो इस सूरत में वो अनफिट हो जाता है कि वो वार्ड का गार्डियन रहे, तो इस सूरत में उसे रिमूव कर दिया जाता है। फॉर हैविंग एन इंटरेस्ट एडवर्स टू द फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, और जब उसका जो इंटरेस्ट है उसकी ड्यूटीज के एडवर्स हो, जब वो इंटरेस्ट एडवर्स रखता हो अगेंस्ट हिज वार्ड, तो इस सूरत में भी उसको रिमूव कर दिया जाएगा। इसके बाद है फॉर सीजिंग टू रिसाइड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, और जब वो कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन की जो लोकल लिमिट्स है उसको छोड़ के किसी और जगह पे रिहायश अख्तियार करता है, तो इस सूरत में भी उसको रिमूव कर दिया जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर गार्डियन जो है वो
डिस्ट्रिक्ट ए में जो है वो अपॉइंट होता है वार्ड के लिए, लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट ए को छोड़कर डिस्ट्रिक्ट बी में चला जाए तो इस सूरत में भी वो रिमूव हो जाएगा। इन द केस ऑफ गार्डियन ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी, और जब वो वार्ड की प्रॉपर्टी का गार्डियन हो और अगर वो बैंकरप्ट हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए यानी उसका दिवालिया निकल जाए तो इस सूरत में भी उसको रिमूव कर दिया जाएगा। बाय रीजन ऑफ गार्डियन बीइंग लायबल गार्डियन अंडर द लॉ टू विच द माइनर इज सब्जेक्ट, यानी जिस कानून का माइनर जो है वो सब्जेक्ट है उस कानून के मुताबिक अगर गार्डियन जो है वो अपनी गार्डियनशिप को सीज कर रहा है या बीइंग लायबल टू सीज या उसको सीज करने के लिए लायबल है तो इस सूरत में भी उसको रिमूव कर दिया जाएगा। यानी अगर वो अपनी पावर्स को सीज कर रहा हो अपनी गार्डियनशिप की पावर्स को तो इस सूरत में भी उसको रिमूव कर दिया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट अ गार्डियन अपॉइंटेड बाय विल और अदर इंस्ट्रूमेंट वेदर ही हैज बीन डिक्लेयर्ड अंडर दिस एक्ट और नॉट, और इसमें एक कंडीशन ये है कि एक गार्डियन जो बाय विल अपॉइंटेड हो या वो इंस्ट्रूमेंट के जरिए अपॉइंटेड हो, वेदर ही हैज बीन डिक्लेयर्ड अंडर दिस एक्ट और नॉट, चाहे वो इस एक्ट के तहत डिक्लेयर्ड हो या ना हो, ही शैल नॉट बी रिमूव्ड, उसको रिमूव नहीं किया जाएगा। फॉर द कॉज मैंशनड इन क्लॉज जी, जो कॉज मैंशनड है क्लॉज जी में, फॉर हैविंग इंटरेस्ट एडवर्स टू द फेथफुल परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज, यानी अगर वो एडवर्स इंटरेस्ट रखता है अपनी ड्यूटीज के एज ए गार्डियन तो इस सूरत में अकॉर्डिंग टू क्लॉज डी उसको रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन क्लॉज ए में ये कहा जा रहा है कि अगर जे वो एडवर्स इंटरेस्ट भी रखता होगा फिर भी उसको रिमूव नहीं किया जाएगा, अनलेस द एडवर्स इंटरेस्ट एक्रूड आफ्टर द डेथ ऑफ द पर्सन हु अपॉइंटेड हिम, जब तक कि ये जो एडवर्स इंटरेस्ट सामने आया है ये उस पर्सन की डेथ के बाद आए जो पर्सन उसको अपॉइंट करता है, यानी वो वार्ड का जो है फादर हो सकता है या उसके फोर फादर्स हो सकते हैं। अगर उस उन्होंने इस गार्डियन को वार्ड के लिए अपॉइंट किया है तो ये जो एडवर्स इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू क्लास जी है वो उनकी डेथ के बाद अगर सामने आए तो इस सूरत में उसको रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उनकी जिंदगी में उनकी मौजूदगी में ये एडवर्स इंटरेस्ट एग्जिस्ट करता था तो फिर उसको रिमूव गार्डियन को रिमूव नहीं किया जा सकता। दूसरी चीज इसमें यह है कि और इट इज शोन दैट द पर्सन मेड एंड मेंटेन्ड द अपॉइंटमेंट इन इग्नोरेंस ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ द एडवर्स इंटरेस्ट। दूसरी चीज इसमें यह है कि जिस पर्सन ने वार्ड के लिए गार्डियन को अपॉइंट किया था वो इस एडवर्स इंटरेस्ट से इग्नोर था, यानी उसको इस एडवर्स इंटरेस्ट के बारे में इलम नहीं था, तब भी उस गार्डियन को रिमूव कर दिया जाएगा। यानी दो सूरतें इसमें बताई गई हैं कि अगर जो अकॉर्डिंग टू क्लास जी एडवर्स इंटरेस्ट सामने आता है अगर वो उस पर्सन की डेथ के बाद सामने आए जिसने वार्ड के लिए गार्डियन को अपॉइंट किया था तो फिर उसको रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन अगर उनकी जिंदगी में ये एडवर्स इंटरेस्ट गार्डियन का सामने आया था और उनको मालूम था इस एडवर्स इंटरेस्ट के बारे में तो फिर इसको रिमूव नहीं किया जाएगा। दूसरी इसमें सूरत यह है कि अगर वो इग्नोरेंस नहीं थे यानी लाइल्म नहीं थे इस एडवर्स इंटरेस्ट से तो फिर उसको रिमूव नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर उनको इस एडवर्स इंटरेस्ट के बारे में इल्म नहीं था तो फिर उसको रिमूव कर दिया जाएगा। पॉइंट बी है फॉर द कॉज मैंशनड इन क्लॉज एच, जो कॉज क्लॉज एच में मैंशन की गई है अगर वो भी मौजूद हो, यानी क्लॉज एच में है फॉर सीजिंग टू रिजाइड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी अगर वो कोर्ट की जो ज्यूरिस्डिक्शन जो लोकल लिमिट्स है अगर वहां से वो रिमूव होता है यानी उस जगह को उस लोकल लिमिट को छोड़कर किसी और डिस्ट्रिक्ट या किसी और जगह पे चला जाए तो उसको अकॉर्डिंग टू क्लॉज जी रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्लॉज बी ये कहा जा रहा है कि अगर वो उस रेजिडेंस को सीज भी करता है यानी अगर वो उस लोकल लिमिट्स और उस कोर्ट की ज्यूरिस्डिक्शन को छोड़कर कहीं और जगह भी चला जाए फिर भी उसको रिमूव नहीं किया जाएगा।
unless such guardian has taken up such a residence as, in the opinion of the court, renders it impracticable for him to discharge the functions of the guardian. इसमें सिर्फ एक कंडीशन ये है कि अगरचे वो अकॉर्डिंग टू क्लास जी उस जगह को छोड़ भी दे जो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में आती है, फिर भी उसको रिमूव नहीं किया जाएगा. लेकिन अगर कोर्ट ये समझे कि वो इस जगह को छोड़कर जो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में या दूसरी जगह गया है, वहां जाकर ये अपनी ड्यूटीज एज ए गार्डियन सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाएगा, एज ए गार्डियन वो अपने फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकेगा, तो फिर इस सूरत में उसको रिमूव किया जा सकता है. सेक्शन 40 है डिस्चार्ज ऑफ गार्डियन. इफ अ गार्डियन अपॉइंटेड और डिक्लेयर्ड बाय द कोर्ट डिजायर्स टू रिजाइन हिज ऑफिस, ही मे अप्लाई टू द कोर्ट टू बी डिस्चार्ज. अगर एक गार्डियन जो अपॉइंटेड है और डिक्लेयर्ड है कोर्ट की तरफ से, अगर वो रिजाइन करना चाहे अपने इस ऑफिस से यानी गार्डियनशिप से, तो उसके लिए वो अप्लाई करेगा. इफ द कोर्ट फाइंड्स दैट देयर इज अ सफिशिएंट रीजन फॉर द एप्लीकेशन, इट शैल डिस्चार्ज हिम. अगर कोर्ट ये कंसीडर करे कि ये जो एप्लीकेशन दी गई है डिस्चार्ज के लिए, इसमें सफिशिएंट रीजन मौजूद है, तो फिर कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर देगी, यानी उसको अपनी ड्यूटीज से खत्म कर देगी. अब वो एज ए गार्डियन जो है वो काम नहीं करेगा, उसको कोर्ट डिस्चार्ज कर देगी. एंड इफ द गार्डियन मेकिंग द एप्लीकेशन इज द कलेक्टर एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट अप्रूव्स ऑफ हिज अप्लाइंग टू बी डिस्चार्ज, द कोर्ट शैल इन एनी केस डिस्चार्ज हिम. और अगर वो जो गार्डियन है वो कलेक्टर है और उसने एप्लीकेशन दी है डिस्चार्ज के लिए, तो इस सूरत में प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो उसकी एप्लीकेशन को अप्रूव करेगी, डिस्चार्ज करेगी, और कोर्ट जो है द कोर्ट शैल इन एनी केस डिस्चार्ज हिम. तो इस सूरत में जब एप्लीकेशन प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अप्रूव कर दी जाएगी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट जब इस एप्लीकेशन को अप्रूव करेगी, उसे डिस्चार्ज करेगी, तो फिर कोर्ट जो है वो हर हाल में उसको डिस्चार्ज कर देगी.